मिराज आलम भारी बहुमत से उनकी जीत होगी, इस बार कोई नहीं रोक सकेगा। हर जितने हमारे जनप्रतिनिधि और जितने दल के भी नेता हैं सब मिराज आलम उम्मीदवार बन गए। हमारा उम्मीदवार ऐसा है अपना वोट भी डालेगा अपने पक्ष में, ऐसा कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। आप पता लगाइए कोई उम्मीदवार मैदान में हो, मिराज आलम छोड़ करके कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। MLC हो सकते हैं, उच्च सदन में झारखंड के बीच बचा न कोई सबूत, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए नहीं बचेगा, दिल है RJD में या दिल है कोई और दूसरे जगह, तो वो दिल बिना दल जो छोट भैया लोग बोल रहे हैं उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे, ये मेरे लिए शोभा नहीं दे। सर, MLC चुनाव के लिए आप लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, मियाज आलम साहब MLC के उम्मीदवार हैं, इससे सर क्या कहना है आपका? सर देखिए, अभी ये जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम के तहत हम लोग सभी जगह जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, चाहे पंचायत समिति के सदस्य हो, वार्ड यहाँ भी देख सकते हैं आप, प्रखंड प्रमुख हो, जनप्रतिनिधि में आपको वार्ड सदस्य हों, पंचायत समिति के सदस्य हों या जिला परिषद के सदस्य हों या मुखिया हों, उन लोगों से मिलते हैं। जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम हमारा है, जनप्रतिनिधियों का जो हम लोग जितना अभी तक दौरा किए हैं इससे स्पष्ट है पूरे इलाके में केवल दो ध्रुवीय राजनीति है। देश की भी राजनीति अब दो ध्रुवीय हो रही है, देख रहे हो, और प्रदेश की भी राजनीति दो ध्रुवीय है। एक तरफ आप हमारा राजद ये अधिकृत उम्मीदवार है मिराज आलम, और उसका समर्थन है वामपंथी दलों का, महागठबंधन कहिए उसको, और दूसरी तरफ है NDA। तीसरा जो लोग धुरी बना रहे हैं वो मुगालते में, उनको पता चल जाएगा, दो दिन और समय दीजिए, दो दिन में उनका जितना कुछ ढेरी लगाए हुए हैं सब साफ हो जाएगा। दो पाटन के बीच बचा न कोई सबूत, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए नहीं बचेगा, दिल है RJD में या दिल है कोई और दूसरे जगह, तो वो दिल बिना दल का कैसे हो जाएगा? दिल है तभी तो कोई पंचायत समिति के सदस्य, जिस दल के साथ दिल जुड़ा हुआ है वही लोग पंचायत समिति बन जाते हैं, जनता के वोट से होता है, वही लोग प्रमुख बन जा रहे हैं, वही लोग आपको वार्ड सदस्य बनते हैं, वही लोग जिला परिषद बन रहे हैं। अब कहते हैं बिना निर्दल हो जाएगा, हम लोग बहुत प्रयोग किए थे 74 में आंदोलन में, JP मोमेंट से हम लोग निकले हुए और मीसा में 2 साल जेल में रहे, दल विहीन लोकतंत्र की बहुत कल्पना किए थे। जननायक आपको मालूम है हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, दल विहीन लोकतंत्र नहीं चला देश में, ये मैं आज पहली बार खुलासा करता हूँ। इसीलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहना पड़ा, जब 74 में जब संपूर्ण क्रांति का हम लोग नारा JP ने दिया था गांधी मैदान में, 5 लाख से ज़्यादा लोग जुटे थे, तो JP से पूछा गया कि ये आपका संपूर्ण क्रांति क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा अनुज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो सप्त क्रांति है वही मेरा संपूर्ण क्रांति है, मतलब नर नारी का समता, मतलब नस्ल भेद के खिलाफ, मतलब सेकुलरिज्म, मतलब सामाजिक न्याय, ये सब धारा है उसमें सप्त क्रांति में। इसीलिए हम लोग सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष की सबसे बड़ी धारा राजद है, राष्ट्रीय जनता दल, उसको मजबूत करने के लिए अपने अपने दल को भी मैंने विलय किया, क्योंकि हम देख रहे हैं ये ऐतिहासिक फोर्स है, इसको कमजोर होने से सांप्रदायिक ताकत सर उठा रही है, यहाँ तक कि सांप्रदायिक पार्टी का आक्रमक कितना हो गया है सांप्रदायिक ताकत, इस जो कहते हैं चुना हुआ प्रतिनिधि कहता है संविधान को नहीं मानेंगे, संविधान तो सेकुलर है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, संविधान हमारा लोकतांत्रिक है, हमारा संविधान जो हमारा देश है गणतंत्र है, और 71 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने संशोधन ला करके बना दिया कि यह जो समाजवादी राष्ट्र भी होगा, इसकी भी परिकल्पना की गई है, प्रियम्बुल देखा जाए अभी संविधान का, उसको कहता है नहीं मानेंगे, वोटिंग राइट खत्म किया जाए माइनॉरिटी का, तो हम बाहर रख के नहीं देख सकते थे, इसलिए हमने दल को विलय कर दिया कि नहीं अब सांप्रदायिक ताकत से आमने सामने लड़ाई होगी, क्योंकि सांप्रदायिक ताकत कभी बिहार में या देश की धरती में संविधान का वो तल लेते हैं लेकिन संविधान को नहीं मानते हैं। इसीलिए हम लोग सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष की ताकत को मजबूत करने की दिशा में, मिराज आलम ऐसा कैंडिडेट है जो आप पूछ रहे हैं, आप बताइए कोई मैदान में ऐसा कैंडिडेट है जो अपना वोट डाल सकता हो अपने लिए? जनप्रतिनिधि कोई नहीं है, MLC का कैंडिडेट है, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान में ये प्रोविजन है कि वो उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन आप बताइए कोई वोट देने का राइट है क्या? हमारा उम्मीदवार ऐसा है अपना वोट भी डालेगा अपने पक्ष में, ऐसा कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। आप पता लगाइए कोई उम्मीदवार मैदान में हो, मिराज आलम छोड़ करके कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। MLC हो सकते हैं, उच्च सदन में जा सकते हैं, संविधानिक राइट है,
लेकिन प्रतिनिधि कोई नहीं है जो वोट दिया, तो जनप्रतिनिधि यही है जो जो ब्लॉक का अध्यक्ष है, अभी अधि प्रमुख है, खुटोना ब्लॉक के प्रमुख भी हैं, पंचायत समिति से जीते हुए हैं खुटोना से, इसलिए जनप्रतिनिधि, और पहले भी जिला के परिषद के उपाध्यक्ष रहे यहाँ मधुबनी में, तो हमारा जनप्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि की आवाज़ सदन में बनेंगे बिहार विधान परिषद में, इन लोग किसका आवाज़ बनेंगे तो ये लोग जाने, मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या जीत पक्की है? बिल्कुल कोई, अब मैं जो माहौल देखा हूँ आप खुद पता लगा लीजिए, जात बिरादरी वाला जो लोग नारा दे रहे हैं उन मुगालते में है, सभी वर्ग के लोग, सभी वर्गों से, सभी धर्म और सभी जात के लोगों का समर्थन मिराज आलम को मिल रहा है, ये लोग जो कुछ हवा बना रहे हैं ये सब हवा बादल। क्षेत्रों में आप लोग भ्रमण किए हैं तो उससे आपको क्या लगता है कितना समर्थन दिया जाएगा मिराज आलम जी को? मिराज आलम भारी बहुमत से उनकी जीत होगी, इस बार कोई नहीं रोक सकेगा, हर जितने हमारे जनप्रतिनिधि और जितने दल के भी नेता हैं सब मिराज आलम उम्मीदवार बन गए, उम्मीदवार मतलब जो आदमी उम्मीदवार बन के लड़ रहे हैं, अभी एक सवाल पूछा आप ही के मीडिया के साथी अभी राजनगर में कि आप ये बताइए कि वो लोग तो बहुत सारा स्टार प्रचारक खड़ा किए हैं, हमने कहा स्टार प्रचारक उनको जरूरत है जिनको वोटर की कमी है, जिनको वोटर ही आगे है, जनता मतलब वोटर जो हमारा जनप्रतिनिधि है, पंचायत समिति के मेंबर है, वार्ड मेंबर है, मुखिया है, जिला परिषद है, वही आगे है इस चुनाव में, उम्मीदवार तो हमारा पीछे है, उम्मीदवार को ढक दिया है ये लोग, इसलिए उनको कोई स्टार प्रचारक की जरूरत हमारे दल में नहीं है, हम सब लोग स्टार प्रचारक हैं। काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं तो उसमें मिराज आलम जी की क्या स्थिति रहेगी? प्रत्याशी तो खड़ा होना उनका डेमोक्रेटिक राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन मिराज आलम सारे बादल को फार कर निकल कामयाब हो जाएगा, स्थिति यही है उनकी, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का व्यापक समर्थन है, इस समर्थन को नहीं रोका जा सकता है, लोकतंत्र में अब समर्थन ही सच होता है, तो सच मेरे साथ है, क्यों समर्थन मेरे साथ है। और कोई बात बोलिए, अब हमको जो कहना था आपको बोल दिया, आपको पता ही होगा सन पापड़ी और बताशा, उस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिनको राजनीतिक भाषा की मर्यादा का ABCD का ज्ञान नहीं, इसमें मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ, उस स्तर पर मैं जा ही नहीं सकता हूँ जिस स्तर की बात वो लोग कर रहे हैं, क्या बोलेंगे वो लोग, शायद जो लोग बोल रहे हैं, हमको 42 साल हो गया MLA हुए, अब 5 बार पार्लियामेंट में रहे इसी झंझारपुर से, अब भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हुए, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, ये जो कानून कोरोना में जो हमारा ही बनाया हुआ प्रोजेक्ट है 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये चावल का, APL BPL लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कोरोना में वरदान साबित हुआ है, उनसे कोई वैसा स्तर का कोई लीडर हो, 42 साल 45 साल 50 साल का हम लोगों का बैच के लालू प्रसाद जी हैं, हम लोग के बैच के अभी जो बिहार के शीर्ष में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जी हैं, जो छोट भैया लोग बोल रहे हैं उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे ये मेरे लिए शोभा नहीं देगा, मैं उनको उस स्तर में नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, उनको जो बकना है बकवास करते रहे, जनता सब देख रही है, जनता बहुत सचेत है, और जनप्रतिनिधि तो खुद ही प्रतिनिधि है, उनको समझाने की क्या जरूरत है, वो तो सब बात समझ रहे हैं, इसलिए इनके बताशा उताशा वाला खेला कुछ नहीं चलेगा, सब गोल हो जाएगा। हाँ तो अब आप हाँ जनप्रतिनिधि आपको दिखाना है।